अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी हनी कृषि। वेलकम टू माय चैनल हनी कृषि वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आई। आज कोई प्रोडक्ट नॉलेज वीडियो नहीं है, आज मेरी नई रेसिपी आपके साथ शेयर करनी है। मैंने घर में बनाए थे इफ्तार में क्लब सैंडविच, तो सोचा आप लोगों के साथ भी इसकी झटपट बनने वाले क्लब सैंडविच की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि आप अपने इफ्तार में बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये सैंडविच बनते हैं, इसकी फुल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी कोई भी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। तो रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पतीला लिया है, जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा तेल लिया है, सरसों का तेल लिया है। उसमें 2 से 3 चम्मच के करीब मैंने उसमें तेल लिया है और उसको अच्छी तरह पका लिया। तेल पकने के बाद मैंने उसके अंदर एक प्याज लिया है, जिसको मैंने बारीक बारीक लच्छेदार साइज स्टाइल में काट लिया है और मैंने उसको उसके अंदर डाल दिया है। उसको इतना फ्राई करना है प्याज को जब तक वो गोल्डन नहीं हो जाए। जब प्याज गोल्डन हो जाएंगे तो मैं उसके अंदर मज़ीद चीज़ें ऐड करूँगी। प्याज जब लाइट गोल्डन हो जाते हैं तो उसके बाद उसके अंदर 1 चम्मच भर के मैंने सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है और इन दोनों को साथ ही भूनूंगी। मतलब कि प्याज भी गोल्डन नहीं हुए हैं और ज़ीरा को भी मुझे थोड़ा सा भूनना है, ज़ीरे को भी फ्राई करना है, तो दोनों को तेल में एक साथ ही करूँगी। जब प्याज लाइट से गोल्डन हो जाएंगे तो उसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे। चिकन मैंने 1/2 किलो के करीब चिकन लिए और बोनलेस चिकन लिए, उसमें बिल्कुल हड्डी की चिकन है। तो उसको अच्छी तरह इसी तेल के अंदर इसी प्याज के साथ अच्छी तरह उसको फ्राई करना है, गोल्डन करनी है चिकन को। इतना भूनेंगे चिकन के अंदर से सारा जो उसका होता है लालपन होता है चिकन के अंदर, जो खून होता है वो सब ख़त्म हो जाए और चिकन बिल्कुल सफ़ेद हो जाए। और उसके बाद उसको इतना भूनेंगे कि पूरी गोल्डन चिकन हो जाए। तो मज़ीद चिकन को भूनते रहेंगे, 10 मिनट तक चिकन को आराम से भूनते रहेंगे फुल फ्लेम करके। कम फ्लेम पे नहीं भूनेंगे वरना चिकन जल्दी गल हलवा हो जाएगी। तो चिकन को तेज़ चूल्हे पे भूनेंगे हम इसको। जब चिकन अच्छी तरह गोल्डन हो जाएगी तो उसके अंदर मैंने इसके अंदर 1 कप भर कर दूध शामिल करा है। ठीक है, मेरे दूध जो था फ्रिज में जमा हुआ था तो मैंने ऐसे ही शामिल कर दिया। आप पहले लिक्विड फॉर्म में भी कर सकते हैं या फ्रिज का हो रहा तो वैसे भी कर सकते हैं। मैंने 1 कप भर कर दूध शामिल करा, जिसमें दूध के साथ ही पानी नहीं शामिल करा, मैंने दूध शामिल करा और दूध के साथ ही मैं चिकन को भूनूंगी। चिकन को गलने के लिए भी इसी दूध में ही छोड़ूंगी, क्योंकि दूध लिक्विड है तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। मैंने इसी के अंदर ढक कर 10 मिनट तक, 5 से 7 मिनट तक इसको चिकन को गलने के लिए छोड़ दिया। जब चिकन हल्की फुल्की सी गल गई तो उसके अंदर मैंने इसके अंदर टमाटर डाले, 2 टमाटर बारीक बारीक चॉप कर लिए, उसके अंदर इसको छोड़ दिया है। उसके बाद इसके अंदर मैंने डाले 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और इन सब चीज़ों को एक साथ मिला कर अच्छी तरह भून लिया है। और फिर साथ ही हमें स्पाइसेस डालने हैं, तो स्पाइसेस में मैंने नमक डाला है। आप लोग नमक अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से डाला है। हमारे घर में नमक कम खाया जाता है तो मैंने नमक थोड़ा ही डाला है, बाकी आप लोग ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। और 1 चम्मच भर के मैंने कुटी हुई मिर्च डाली, क्योंकि स्पाइसिस में जो मिर्च मसाले होते हैं ना वो हम लोग तेज़ खाते हैं। नमक कम खाते हैं पर मिर्च मसाले तेज़ खाते हैं, तो इस वजह से मैंने कुटी हुई मिर्च 1 चम्मच भर के डाली है। और उसके बाद मैं अगेन मिर्चें और भी डालूँगी। तो इसमें इस पोजीशन पे मैंने सॉसेस शामिल करे हैं, जैसे कि सिरका डाला है, सोया सॉस है और चिल्ली सॉस डाला है। ये तीनों सॉसेस मैंने अपने हिसाब से डाले हैं, आप लोग भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं या फिर 1 चम्मच जो खाने वाला 1 चम्मच होता है उसको भर के तीनों डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने इनकी अच्छी तरह भुनाई करी, इतनी भुना कि मसाला अच्छी तरह जब्स हो जाए और चिकन जो मसाला था वो सारा पानी समेत टूट जाए और टमाटर वगैरह सब गल जाए। उसके बाद मैंने जितनी भी चिकन की बोटियाँ थी उन सबको निकाल ली, क्योंकि मुझे बिल्कुल बारीक बारीक रेशा चाहिए था चिकन को। और मैंने उसको निकाल कर हाथ की मदद से और चम्मच की मदद से चिकन के बारीक बारीक रेशा कर लिया। और उसके बाद जो भी मेरा मसाला सारा भुन चुका था बिल्कुल, मैंने उसको इतना भुन लिया कि सारा उसके अंदर से पानी, दूध जो भी मैंने उसके अंदर डाला था, दूध लिक्विड डाला था, वो सब कुछ भून कर बिल्कुल एक मसाले की फॉर्म में आ गया है। उसके बाद मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर दिया और उसको बिल्कुल मिक्स करके यकजान कर लिया है कि इसके अंदर अच्छी तरह चिकन के अंदर सारा मसाला लग जाए, क्योंकि ऑलरेडी हमारी बोटियाँ जो थी उसमें मसाला का टेस्ट था और जब हमने चिकन को अलग अलग रेशा करा तो उसके अंदर तक उसके मसाला जब्स हो जाए, इसलिए मैंने पूरी अच्छी तरह उसको मिक्स कर लिया। उसके बाद मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें ली पतली वाली, उसको बारीक बारीक काट के इसके अंदर डाल दिया है। और साथ ही मैंने थोड़े से स्पाइसेस और डाले हैं, कुटी हुई मिर्च 1 चम्मच और डाली। उसके बाद मैंने काली मिर्च के 2 चम्मच डाले, आप लोग मिर्चें कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने जैसे कि बताया हम लोग मिर्चें तेज़ खाते हैं तो इसलिए मैंने मिर्चें ज़्यादा ही डाली है।
उसके बाद एक चम्मच भर के मैंने चाट मसाला डाला है क्योंकि मुझे थोड़ा सा चटपटा सा बनाना है, तो इस वजह से मैंने इन तीनों स्पाइसेस को डाल दिया और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। उसके बाद अगेन मैंने थोड़े से और सॉसेस डाले हैं, चिल्ली और गार्लिक सॉस है, टोमेटो जो पेस्ट आता है वो भी आप डाल सकते हैं, और मैंने टोमेटो पेस्ट नहीं डालना था, मुझे चिल्ली गार्लिक सॉस डालना था इसलिए मैंने वो डाला है, और अगेन मैं चिल्ली सॉस और डालूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पाइसेस कम लग रहे हैं। तो आप लोग ये बनाएं, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा क्योंकि रमज़ान में बहुत अच्छे लगेंगे ये सैंडविच, आप इफ्तार में जब खाएंगे आपको बहुत ज़बरदस्त लगेंगे, बहुत ही जूसी और सॉफ्ट होते हैं ये। इस तरह से मैंने इसके अंदर और सॉसेस डाले, तो इसको मुझे थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में बनाना है जैसे कि इसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड सा टेस्ट आएगा इस वजह से। और अब मैं इसके अंदर मायोनीज ऐड करने वाली हूँ जिसकी वजह से ये जो चिकन है एक दूसरे में जब सो जाएगी, मतलब कि एक दूसरे को पकड़ लेगी, जब हम इसको सैंडविच डब रोटी में लगाएंगे, ब्रेड पे लगाएंगे, तो ये बिखरेगी नहीं, बाहर नहीं निकलेगी, ये अंदर ही कवर हो जाएगी। तो इसके अंदर थोड़ा सा मैंने एक चम्मच मायोनीज डाला है, ज़्यादा मायोनीज नहीं डाला है क्योंकि मैं जो ब्रेड है उसके ऊपर भी मायोनीज लगाऊंगी। तो एक चम्मच मायोनीज लगाने के बाद इसको छोड़ दिया है क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है, ये बन चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त जूसी सी चिकन, टेस्टी चिकन हमारी तैयार हो चुकी है जिसको हम अपने सैंडविचेस में लगाएंगे। अब अगर मैंने इसको उतार लिया, उसके बाद मुझे लेने हैं अंडे क्योंकि मैंने बनाना है क्लब सैंडविच, तो क्लब सैंडविच में दो लेयर लगती हैं, तो एक में मैं चिकन लगाने वाली हूँ और दूसरे में अंडा, तो इसलिए मैंने दो अंडे लिए हैं और उसमें अपने हिसाब से नमक डाला है, आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं। बाकी आधा चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है और आधा चम्मच के करीब इसमें मैंने डाली कुटी हुई मिर्च, काली मिर्च जो होती है ना, सॉरी कुटी हुई नहीं, काली मिर्च जो होती है, काली मिर्च को कूट कर वो डाला है, बिल्कुल बारीक बारीक क्रश करके वो डाली और अंडों को अच्छी तरह फेंटा है। उसके बाद अंडे फ्राई करने हैं मुझे तवे के ऊपर, मैंने घी डाल के उसको अगेन जैसे नॉर्मली अंडे फ्राई होते इस तरह से अंडों को फ्राई कर लिया है। और उसके बाद जब मेरे अंडे फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम ब्रेड के ऊपर आएंगे। ब्रेड मैंने बड़ी वाली यूज़ की थी, आप लोग अपने हिसाब से कोई सी भी ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, आप लोगों को जो भी समझ आए, जो भी आपको अच्छी लगती हो। उसके बाद ब्रेड लेने के बाद मैंने ब्रेड के सारे किनारियाँ हटा ली थी क्योंकि जो किनारियाँ हैं ना उसकी वजह से हमारे सैंडविच की जो होती है चिपक होती है वो नहीं हो पाती और निकलता है, जो अंदर मसाला लगाते हैं वो बाहर की तरफ निकलता है, तो हमें उसको अच्छी तरह चिपकाना है कि हमारा मसाला बाहर नहीं आए, क्योंकि क्लब सैंडविच जो होता है ना वो एक दूसरे से अच्छी तरह चिपका हुआ होता है, सारा मसाला बाहर नहीं आए इस वजह से। तो उसको हमने जितनी भी ब्रेड की साइड की जो भी होती है वो हम निकाल देंगे। अच्छा, इसको निकालने के बाद ये हमारी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होती, आप इसको ड्राई कर सकते हैं, फ्रिज में रख के या बाहर रख के इसको सुखा लें, उसके बाद आप इसको ग्लेंडर में डालकर पीस लें, इसका एक पाउडर बन जाएगा जिसको आप ब्रेड कह सकते हैं, और आप उसको किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको कटलीज में इस्तेमाल कर सकते हैं या और भी किसी भी चीज़ में, चिकन के कुछ आइटम बना रहे हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बहुत ही मज़े का इसका लुक आता है। तो मैंने अगेन जितनी भी ब्रेड्स थी सबके एक साथ पीसेस कर लिए थे, सबके साइड के किनारियाँ हटा दी थी, और उसके बाद मुझे बिल्कुल बहुत ही लाइट सा कलर देना है इस ब्रेड के ऊपर, बिल्कुल भी ऐसा कलर नहीं देना है कि गोल्डन सी ब्रेड हो जाए, नहीं, मुझे बिल्कुल हल्का हल्का सा घी लगाकर मैंने इसको बिल्कुल तवे पे बस रखना और पलटना ऐसा करना है, बस हल्का हल्का सा इसके ऊपर सिर्फ शेड आ जाए, इस तरह से मुझे इसके ऊपर करना है, ज़्यादा कलर नहीं देना, बिल्कुल पापड़ नहीं करना, वो फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, वो सैंडविच का लुक ही चेंज हो जाएगा। मुझे बस हल्का सा इसके अंदर सॉफ्टनेस इसकी बरकरार रखनी है, इस वजह से मैं इसको ज़्यादा नहीं सेकूँगी, बस इसको रखना है और पलटना है। इस तरह से जितनी भी ब्रेड्स हैं हम सबको ऐसे करके सारी सेक लेंगे। आप लोग जब इसको बनाएंगे तो आपके घर वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे क्योंकि ये सैंडविच बहुत ही मज़े के बनते हैं। मैंने जब बनाए मेरे घर वालों को बहुत पसंद आया, पहले तो सब बोल रहे थे कि क्या बनाए, जब अफ्तार पे सब ने खाया तो सब वाकई में तारीफ़ करे बगैर रह नहीं पाए, सब ने बोला वाकई में बहुत अच्छी डिश बन गई है। तो आप लोग भी इसको ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े के होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस यही है कि मैंने इसको ब्रेड के ऊपर मायोनीज़ लगाया, अच्छी तरह मायोनीज़ लगाया है क्योंकि हमें मायोनीज़ से इसको अच्छी तरह चिपकाना है, ठीक है। उसके बाद टमाटो केचप भी लगा सकते हैं आप लोग, मैंने चिल्ली गार्लिक सॉस लगाया है और उसको अच्छी तरह फैला लिया। उसके ऊपर मैंने चिकन की पूरी एक लेयर लगाई, अच्छी तरह चिकन भर के लगाया है, आधा किलो चिकन मैंने इसी वजह से लिया था कि मैंने चिकन अच्छी तरह लगाना है क्योंकि मुझे जो लेयर है ना दो लेयर्स होंगी एक अंडे की एक चिकन की, तो हम चिकन की लेयर जितनी अच्छी लगाएंगे ना उतना अच्छा जायका आएगा, इसलिए मैंने चिकन की लेयर को अच्छी तरह भर के लगाया सब जगह पर। और उसके बाद अगेन एक और डब रोटी का पीस लिया और उसके ऊपर फिर हमने मायोनीस लगाया, टोमेटो केचप लगाया, चिली गार्लिक सॉस सॉरी और वो लगाया, उन दोनों चीज़ों को फिर उस चिकन के ऊपर
फिर उस पीस को चिकन के ऊपर रख के उसके ऊपर ग्रीन मसाले की चटनी मैंने खुद के होममेड बनाई हुई है वो मैंने लगाई। तो उसके बाद उसके ऊपर मैंने अंडा बनाया था, जो मैंने अंडे की पीसेस करके वो लगा दिया, एक साथ बड़ा नहीं लगाया था, उसके पीसेस करके वो लगाया। उसके ऊपर मैंने अगेन एक और डबल रोटी का पीस लिया जिसके ऊपर मैंने मेयोनीज लगाया और टमाटो सॉस लगाया, चिली गार्लिक सॉस, उसको लगा के उसके ऊपर तीसरी लेयर लगा दी। ये बेसिकली तीन लेयर का सैंडविच है। तो तीनों लेयर लगाने के बाद इसको मैंने ट्रायंगल शेप में काट लिया और काटने के बाद मज़ेदार हमारा ये सैंडविच तैयार हो गया। इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त जूसी से सैंडविच तैयार हो जाते हैं हमारे क्लब सैंडविच, बहुत ही सॉफ्ट से जूसी से। अंदर जो चिकन का टेस्ट होता है ना वो बहुत औसम होता है, अंडे और चिकन का बहुत वीआईपी टेस्ट आता है। इस तरह से मैंने सारे सैंडविच तैयार कर लिए थे और ये मेरे ऑल सैंडविच तैयार हो चुके हैं जिसकी फाइनल लुक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरा फाइनल लुक है और आपको दिख रहा होगा कितने ज़बरदस्त और कितने वीआईपी सैंडविच है। मुझे तो खा के मज़ा आ गया था। आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आप लोगों को ये सैंडविच कैसे लगे। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड प्यारा सा कमेंट कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।